लेट्स डे और हम आ चुके हैं शॉप पे। और कल आपको स्किन का पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि कुछ काम और आ गए थे, तो मेरा काम उसी टाइम अधूरा रह गया था। भाई मेरा तो किश्तों में ही होता है, रोज़ रोज़ कंप्लीट सेम डे में होता नहीं, पर आज कोशिश करूँगी कि आपको कंप्लीट मैं अपना फेस का दिखाऊँ। और यहाँ पे चल रही है प्रैक्टिस और अभी आएगा हेयर कट, तो आज हेयर कट करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। दो कट आने हैं अभी तो हम करेंगे हेयर कट। और यहाँ चल रही है प्रैक्टिस, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मेकअप की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। तो आज हम कर रहे हैं कट जैसे आपको बताया था, और आप देख रहे हो क्लाइंट ने मेरे बाल में इतनी ड्राइनेस कर रखी है, तो मुझे नॉर्मल सा स्पा भी देना पड़ेगा ताकि बालों में शाइन आ जाए। तो आप देख रहे हो बाल कितना डैमेज है, कुछ रिपेयर भी करेंगे और कुछ करेंगे कट। और नेक्स्ट टाइम कट मत कराना, नेक्स्ट टाइम बोटोक्स ही कराना, कट से बाल ख़त्म हो जाते हैं और बोटोक्स से आपके बाल स्मूथ, सुंदर और शाइनी और हेल्दी वेल्दी होते हैं। तो आज हमने दो कट किए हैं, इन मैम ने तो अपना बांध लिया और एक इन मैम का किया है नॉर्मल सा कट, लेकिन बहुत प्यारा कट आया है जो इन्होंने मांगा था। इनका मैंने बिफोर नहीं लिया था क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था ये इतनी सुंदर लग जाएंगी। तो पसंद आया ना फ्रंट कट? हाँ जी, इनको फ्रंट लेज़र में कुछ चाहिए था बट हमने इनके फेस के अकॉर्डिंग कर दिया, तो आप देख रहे हो बहुत सुंदर कट आया है इनका, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर। तो गाइज आप देख रहे हो मेरा हाइड्रा फेशियल हो गया, कल यहाँ पे कितना पिगमेंटेशन दिख रहा था, कितना लाइट हो गया, आप देख रहे हो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी, सिर्फ फेशियल कराया था और वो भी मुझे बहुत कम टाइम मिला क्योंकि क्लाइंट आ गए थे, हेयर कट थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और उसके बाद जो मेरी स्टूडेंट हैं उनके वहाँ पे थी ब्राइडल्स और वहाँ चली गई लाइट, तो मैंने उन्हें कॉल किया कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ मैं ब्राइडल करा देती हूँ। अब वो भाग भाग के यहाँ आ रहे हैं, फिर हम फटाफट से ब्राइडल करेंगे, मेकअप करेंगे क्योंकि देखो करना पड़ेगा, अब अगर स्टूडेंट परेशान है तो हमें हेल्प तो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए फटाफट से फेशियल किया है। आप देख रहे हो मेरी स्किन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखो कुछ भी नहीं लगाया मैंने फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हाइड्रा फेशियल कराना चाहिए, अपनी स्किन अच्छी हो जाती है और बाल भी ख़राब हो चुके हैं, कुछ दिन में करेंगे बोटोक्स। क्योंकि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, मेरे घर में आ रही है शादी, तो अब उसके लिए तो मुझे सब करना ही पड़ेगा, तो बाल वाल भी उसमें करेंगे हम सेटल, आपको सब चीज़ एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी मैं। और अब कुछ टाइम बाद अभी ना मैंने एक फेस पैक तैयार किया जो सपना दीदी के व्लॉग में बोला था, तो वो फेस पैक भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपने यूज़ करना है और कैसे कैसे आपने बनाना है। तो गाइस बस फटाफट अभी आते हैं क्लाइंट, तो अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ब्राइड आ चुकी है, मेरी तो नहीं एक्चुअली में ये ब्राइड है मेरी स्टूडेंट और मेरी भाभी की, तो इन्होंने प्री किया है। मैं जो से आपको लोगों को बताती हूँ कि प्री बहुत अच्छा किया करो, देखो इसने मेरी मतलब क्लाइंट का बहुत अच्छा प्री किया है, बहुत सुंदर फेशियल कर रखा है इनका और आप मेकअप भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री अच्छा है तो मेकअप अपने आप ही अच्छा होगा। और बाकी के पार्टी मेकअप से हैं, देखते हैं कैसे ये सब मैनेज करेंगे क्योंकि बाहर मौसम बहुत गंदा, मैं आपको दिखा बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बादल हैं बहुत ज़्यादा, मैं बाहर नहीं जा सकती, यहीं से दिखा रही हूँ आपको। तो देखते हैं फटाफट से करते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 7:20 और मैं जस्ट अभी आई हूँ शॉप पर, बारिश बहुत थी और मम्मा लगे हुए हैं काम पर, तो ऑलमोस्ट रेडी मम्मा आज, ऑलमोस्ट हाँ आज रियलिटी में ऑलमोस्ट रेडी है और वहाँ प्रेसिंग चल रही है। पता है एकदम से सारे ग्रुप को बुलाया मैंने, आज तो मैं भी नहीं थी, हाँ सारा ग्रुप जा चुका था घर और करिश्मा वेट कर करके, फिर मैंने कहा यार तेरा तो टाइम हो गया तू जा। यहाँ पे हमारे मामी जी सामान पास करते हुए, मम्मा मुझे ये फैन वाले मूवमेंट की ना बहुत वेट रहती है लास्ट में, इसके बाद ये लगता है बस होने वाला है, अब हो गया फैन चल गया और एक डबल साइड टेप आ गई,
तो समझ लो हो गया। तो ये और रोने लग जाती। तो मम्मा हाफ एन आवर में फ्री? मे भी कह सकती। ओके ये थोड़ा सा तेज बोलो ना, पीछे फैन चल रहा है। एलर्जी खत्म हो चुकी है। तो सरप्राइज मेकअप थे, मुझे नहीं पता था इतने मेकअप है। एक 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 करके भरते गए। मैं तो मस्त थी अपना कि मुझे जाना ही नहीं है। फिर हुआ कि मुझे जाना है, फिर हुआ कि उन्हें आना है। वो तो आपको बुलाओगे। तो सब फाइनली हो चुके हैं रेडी। तीन मेकअप हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं, तीन ये रहे। तो दी मजा आया? यस, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता। नहीं ऐसे ही होना चाहिए रियलिटी में नेचर। और अब यहाँ से करके हम लोग थोड़ी सी पैकिंग करके फिर जाएंगे हम लोग घर पे।